एक सत्संग में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या मर्यादा होनी चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। मैं क्योंकि ये सत्संग कमेटी जो मंदिर मैनेजमेंट की कमेटी है उसने कुछ ड्राफ्ट किए, गौरव अंकल से अप्रूव कराए, और मैं ये इसके मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज, कि सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि सत्संग घर में ही हो, बड़ी सिंपल सिटी तरीके से, और जब कुछ ऐसी मजबूरी हो तो फिर बाहर भी कोई ऐसी जगह पे हो, कम्युनिटी हॉल हुए या कोई बड़ी जगह लेके, जहां पे उतने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं जितने के गवर्नमेंट अलाउ करती है। सत्संग बहुत सिंपल और बिल्कुल उसके अंदर एक्सर्वेशन, लैविश, खूब सजावट, ये किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी की गद्दी, उनका आसन, ये दो हो तो सत्संग करने का पर्पस सर्व हो जाता है। एक रिक्वेस्ट की जाती है कि शब्द या भजन वो ही सत्संग में चलाए जाएं जो बड़े मंदिर में चलते हैं, क्योंकि ये शब्द या भजन गुरुजी ने खुद ही सिलेक्ट किए और उनको ब्लेस किया हुआ है, तो उनकी लिस्ट भी सर्कुलेशन में आपके पास आ जाएगी। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो शब्द जो गुरुजी ने खुद ब्लेस किए हैं उनको जरूर अपने सत्संग में लगाएं। आजकल लाइव परफॉर्मेंस भी बहुत कॉमन हो रही है, बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, नो डाउट, पर गुरुजी के आश्रम की तरफ से आप सबको रिक्वेस्ट की जाती है कि गुरुजी की दी हुई मर्यादा के मुताबिक पहले शब्द कीर्तन कुछ देर जरूर होना चाहिए, उसके बाद बेशक आप लाइव म्यूजिक, लाइव परफॉर्मेंस ले सकते हो। और शब्द और भजन जो गुरुजी के ब्लेस किए हैं, जो बड़े मंदिर में चलते हैं, वो मंत्र जाप, आरती और लंगर से पहले ही होने चाहिए, बाद में नहीं, क्योंकि ये मर्यादा गुरुजी की खुद सेट की हुई है। शब्द कीर्तन हमेशा इज फॉलोड बाय मंत्र जाप एंड आरती ऑफ ओम जय श्री ओमकारा ओनली। एक ही आरती होनी चाहिए, ओम जय श्री ओमकारा, और वो आरती एक ही बार होनी चाहिए। ये शुरू शुरू में देखा गया था, अब तो संगत को कुछ काफी ज्ञान भी हो गया है कि कुछ लोग, अगर संगत 50 की है और 25 लोगों ने पहले आरती की तो बाकी 25 नाराज ना हो जाए, उनको खुश करने के लिए आरती को दोबारा चला देते। याद रखिए, आरती गुरु जी के लिए है, संगत के लिए नहीं है, गुरु की आरती है। ओम जय श्री ओमकारा, ये एक ही बात चलाई जाए, इसको कभी भी संगत को अकोमोडेट करने के लिए रिपीट ना किया जाए। सत्संग आइडली 1.5 से 3 घंटे जैसे भी आप ठीक समझे होना चाहिए। इसके अंदर शब्द भजन मंत्र जाप आरती और एक्सपीरियंस शेयरिंग होना चाहिए, उसके बाद ही लंगर प्रसाद सर्व किया जाना चाहिए। और जब चाय प्रसाद या लंगर का भोग लगाते हैं किसी हैंड टॉवल के साथ या नेपकिन के साथ, भोग की थाली को पूरा कवर किया जाए। देखने में आया है कि कई जगह पे उसको साइड से थोड़ा सा नंगा कर देते हैं फॉर वट एवर पर्पज, गुरु जी जाने जाने, उनको बताने की जरूरत नहीं कि हमारे घर में सत्संग में क्या बना है। तो जो मर्यादा गुरु जी के टाइम की थी कि चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और भोग थाली जो है पूरी तरह से कवर होनी चाहिए। सत्संग के बाद कोई ताड़ी नहीं बजनी चाहिए, कोई क्लैपिंग नहीं होनी चाहिए, पहले भी नहीं होती थी और मर्यादा के मुताबिक होनी भी नहीं चाहिए। 10 ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए, मोबाइल फोन स्विच ऑफ मोड पे हो ताकि आप ध्यान से शब्द और सत्संग सुन सके। गुरुजी कहते थे जो भी सत्संग में आता है उसकी खुराक शब्द कीर्तन, उसकी खुराक लंगर प्रसाद और सत्संग है। ये सारे खुराक तभी आपको मिलेगी अगर आप बिल्कुल इस पेशेंस के साथ सुनोगे और फोन की घंटी आपको डिस्टर्ब नहीं करे। तो रिक्वेस्ट की जाती है कि सत्संग में अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ मोड पे रखा करें। जयकारे कुछ लोग जगाने लगे हैं सत्संग के दौरान, कोई अच्छी बात लगी, जय गुरुजी, तो जयकारे का भी गुरुजी के टाइम की कोई मर्यादा नहीं। बहुत सत्संग गुरुजी के
सिंहासन पे बैठे हुए वो खुद कहते थे अंकल सुना आंटी सुना, बहुत सत्संग होते थे, जयकारे नहीं लगते थे। तो इसलिए हम गुरु जी के आश्रम की तरफ से रिक्वेस्ट है कि ये जो जयकारा सिस्टम शुरू हुआ है सत्संग के दौरान वो नहीं होना चाहिए। और जो जो सत्संग है वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस तक के होने चाहिए। आइडिया इज कि ये सत्संग सिर्फ गुरु और गुरु जी के साथ कनेक्ट करें। इनका आइडिया ये नहीं कि ये संगत को उस पर्सन के साथ कनेक्ट करें जो कर रहा है। इट शुड बी फैक्चुअल एंड कनेक्ट विद गुरुजी। एंड अगर कोई कह रहा है कि रिचुअल करो तो वो गलत कह रहा है। गुरुजी ने कभी किसी रिचुअल में बिलीव नहीं किया। बहुत सारे लोगों को सुपरस्टिशन में रिचुअल में से निकाला। एक मैं इसके ऊपर छोटी सी एक और सत्संग ही कर देता हूं कि मैंने एक दफा गुरुजी को खुद बोला, गुरुजी का मैं कह गुरुजी लोग की कहने ने कि दिल्ली रास्ता कट जाए तो आगे नहीं जाना चाहिए। तो गुरुजी हंस पे है मूर्खा, वाहगुरु का नाम लल्या कर, वाहगुरु वड्डा के बिल्ली। देखो तो बात बहुत छोटी है, सोचो तो बहुत छोटी है, लेकिन अगर ध्यान से अंतरी भाव से सोचो तो बहुत बड़ी बात गुरुजी ने कह दी कि इन सुपरस्टिशन रिचुअल में नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए कोई भी सत्संग जो है वो रिचुअल को प्रैक्टिस नहीं करा सकता। ये रिक्वेस्ट रहे। बहुत सारी संगत पूछती रहती है अक्सर, मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि गुरुजी के लाइफ टाइम में कभी अमृत वेला सत्संग नहीं होता था। उन्होंने ना ही कभी अमृत वेला सत्संग ऑर्गेनाइज किया और ना ही हम लोगों ने कभी उस समय जब ऑर्गेनाइज ही नहीं हुआ तो ना ही अटेंड भी किया। एक्सपीरियंस शेयरिंग के अंदर पर्सनैलिटी कल्स आना शुरू हो गया है। जो सत्संग कर रहा है कई दफा सोचता है मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, मैंने ये कहा, गुरुजी ने मुझे ये कहा। ये थोड़ा सा कम किया जाए क्योंकि गुरुजी की महिमा कर रहे हो अपनी नहीं। और इसलिए कोई भी जो अपने आप को प्रेडोमिनेंटली बता रहा है लोगों को कि मेरे साथ ये हुआ, बेसिकली ही शुड टेल कि गुरुजी ने मेरे साथ ये किया। तो इसलिए पर्सनैलिटी कल्ट को हमें अवॉइड कराना चाहिए। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं सत्संग के। दे शुड बी सिंपल, जैसे गुरुजी कहते थे 2 या 3 डिशेस तक की लिमिटेड होना चाहिए और एक स्वीट डिश हो। और चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद पूरा लेना चाहिए, उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो आपका प्रसाद है, वो आपकी ब्लेसिंग है। एक और चीज जो बहुत संगत पूछ रही है और कई गलत प्रैक्टिस शुरू हो गई है कि हर सत्संग के बाद संगत उठ के डांस करना शुरू कर देती है। मैं ये नहीं कहता कि गुरुजी के टाइम बिल्कुल डांस नहीं होता था, लेकिन बड़े खास ओकेजन पे, जैसे मेरे को याद है महाशिवरात्रि हुई, गुरुजी का जन्मदिन हुआ, न्यू ईयर हुआ, तो गुरुजी 2-4 गाने लगा देते थे डांस करने के लिए संगत को 15-20 मिनट। लेकिन अभी कुछ देर से ये देखा गया है कि हर सत्संग के बाद डांस एक रिचुअल बन गया है। और मेरे पास तो ऐसी वीडियो भी आई हैं, इंडिया से भी आई हैं, बाहर से भी आई हैं, जहां पे अगर आप उस पोर्शन को खोल लो, मतलब 2 घंटे का सत्संग है, 1 घंटा पहले आपने सुनो, 2 सेकंड लगाओ, तो ऐसे लग रहा है कि वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो रहा है। दिस हैज टू बी अवॉइडेड। डांस इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग योर सेल्फ विद गुरुजी। अगर आप डीजे बुला के डांस कराओगे, अगर आप 2-2 घंटे डांस कराओगे, तो फिर तो इससे मैरिज ओकेजन और सेलिब्रेशन ओकेजन इट कैन नॉट बी सत्संग। सो सत्संग का डांस जो है गुरुजी बड़े रेयर बड़ी खास ओकेजन पे 15-20 मिनट जरूर कराते थे। और उसका भाव जो था, कई दफा ये भी सुनने में आया, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये भी एक सत्संग है कि एक आंटी को कहा जाए तो उठ साथ डांस कर, उन्होंने कहा मेरी बैक एक है गुरुजी मैं कैसे करूं, कहने चल उठ, महापुरुषों ने ना नहीं करी दी। जब उसने 20 मिनट डांस कर लिया तो उसके बाद गुरुजी कहते जा बैठ जा, तेरी बैक एक की कर दे। सो वो एक तरीका था गुरुजी का। वो एक और चीज है गुरु की महिमा, और चीज है गुरु की प्रेजेंस में, लेकिन उसको वैरायटी एंटरटेनमेंट कल्चर प्रोग्राम मत बनाइए। ये कुछ ऐसे सुझाव गुरुजी के आश्रम की तरफ से सत्संग दी गाइडलाइन के तौर पे इशू किए जा रहे हैं।
फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर दिए जाएंगे, आप सब इनको देखिए। और मेरी सारी संगत को रिक्वेस्ट है कि अब जो भी सत्संग करे इन गाइडलाइन के मुताबिक ही किया जाए।